हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज के इंटरव्यू में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल भक्त हैं, हिज़ सर्वभौम प्रभु। मैं प्रभु जी को बचपन से जानती हूँ, बचपन से हमें याद है प्रभु जी हमेशा इस्कॉन वृंदावन आते रहते थे बहुत ऑफन, और बहुत ही इंस्पायरिंग वैष्णव हैं। बहुत लोगों को बहुत ही इंस्पायरिंग लगते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है इनसे। इनके लेक्चर्स आर एब्सोल्युटली अमेजिंग, कम्प्लीटली पैक्ड विद नॉलेज एंड डिवोशन। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु आज हमारे लिए समय निकालने के लिए। हरे कृष्णा चंद्रमुखी आदि हरि बोल। सो प्रभु, सबसे पहले हम शुरू में आपसे यही पूछना चाहेंगे कि आप ओरिजिनली कहाँ से हैं और आपका चाइल्डहुड कैसा था? हम हैं राजस्थान, हमारा बैकग्राउंड राजस्थान का है। हम वैष्णव पुष्करणा ब्राह्मण फ्रॉम वल्लभ संप्रदाय से, और वो राजस्थान का वो भाग है जो पाकिस्तान में है। तो ऐसे कहा जाए कि हमारा जन्म पाकिस्तान के थरपारकर डिस्ट्रिक्ट के मिठी नाम के शहर में हुआ, और बचपन से हमारा गांव, उसको अभी तो डिस्ट्रिक्ट बन गया, तब वो गांव था, और हमारे घर में राधा कृष्ण का मंदिर हमारे पूर्वजों का था, और मैं छोटा उसकी पूजा करता था, तो पुजारी था मैं अपने मंदिर का। और हमारे जो 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 गांव का मंदिर है उसमें पब्लिक भी आती थी। सो त्रिविक्रम मंदिर था, त्रिविक्रम के नाम से। वो एक ही मंदिर है जो कच्छ में है, नारायण सरोवर के पास, तो उसी का वहाँ छोटा सा मंदिर बनाया था। और घर में गाय होती थी, बचपन में हम खुद ही गाय ले जाते थे जंगल में, और दसवीं तक पढ़ाई मेरी वहीं हुई अपने गांव की स्कूल में, मैट्रिक वहाँ से किया मैंने, और ग्यारहवीं बारहवीं के लिए फिर मैं सिंध में चला गया पाकिस्तान के। और बारहवीं के बाद मैं मेडिकल कॉलेज में हैदराबाद सिंध से, LMC हैदराबाद सिंध से मैंने मेडिकल ग्रेजुएशन किया था। अच्छा, मेडिकल, इंटरेस्टिंग। सो आप या MBBS मैंने वहाँ से किया था, फिर मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कराची यूनिवर्सिटी से किया। अच्छा, सो प्रभु चाइल्डहुड में वल्लभ संप्रदाय से आपने बोला आप जुड़े हुए थे। हम वैष्णव वल्लभ संप्रदाय। हाँ, तो एज मैनी ऑफ अस थिंक कि वल्लभ संप्रदाय ज़्यादातर बाल कृष्ण रूप को ज़्यादा वर्शिप करते हैं। तो हमारे पास राधा कृष्ण था घर में, बाल अच्छा। गोपाल नहीं था, राधा कृष्ण ही था। अच्छा, ओके। सो फिर आपने MBBS करने के बाद आपने एज अ डॉक्टर भी प्रैक्टिस किया था? मैं डॉक्टरी के समय स्टूडेंट लाइफ में मैं बहुत काफ़ी कुछ अपने हॉस्पिटल गवर्नमेंट जहाँ हमारा स्टडी हो रहा था वहाँ भी काफ़ी सेवा किया, सर्जरी किया, प्रैक्टिस फ्री में किया, कभी पैसे का प्राइवेटिस हमने नहीं किया। और जब पोस्ट ग्रेजुएशन में कर ही रहा था तब मेरा संपर्क इस्कॉन से हुआ, तो मैंने डिसाइड किया कि भाई मेडिकल प्रैक्टिस में तो 24 आवर मेरे को रहना पड़ेगा ओब्लाइज, तो इससे मैं टीचिंग में चला गया जो ब्राह्मणिकल था। तो मेडिकल कॉलेज में ही मैं टीचर डिमांस्ट्रेटर के रूप से मैंने ज्वाइन किया, और असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर तक मैं मेडिकल कॉलेज में ही सेवा किया। और उसी वक्त जब सेवा कर ही रहा था तब इस्कॉन के साथ मेरा संपर्क हो गया। तो तब आप कराची में थे जब आपका इस्कॉन? कराची से, मैं कराची में था जब इस्कॉन से संपर्क हुआ। तो आप तो ऑलरेडी स्पिरिचुअल लाइफ से पहले ही जुड़े हुए थे बचपन में ही, तो इस्कॉन से जब आपका संपर्क हुआ तो ऐसा क्या डिफरेंट आपको लगा जो आप इस्कॉन से जुड़ने को आपको इंस्पिरेशन मिली? अब ऐसे कहना चाहिए कि हमारा गांव प्रैक्टिकली वैष्णव थे सारे। एक हमारे ब्राह्मण समाज था, एक महेश्वरी समाज हमारे यजमान थे, तो फॉर्मेलिटी जैसे सब प्रैक्टिकली नेम जो इस्कॉन के है वो नॉर्मली उस तरीके से तो हमारा जीवन था ही।
परंतु ऐसे कोई प्रचार की दृष्टि से पार्टीशन के बाद वहाँ कोई आने जाने वाला नहीं था, जो यहाँ से आते थे पहले महात्मा लोग वो कोई नहीं आ रहा था। तो हमारे पास जिसको कहा जाए कि शास्त्र नहीं थे जिसका अध्ययन किया जाए, या भक्त नहीं थे जिनका संग किया जाए, तो पहली बार तो तब दसवीं हम पास करके ग्यारहवीं की तैयारी कर रहे थे 71 में, तब ब्रह्मानंद जी कराची आए थे। वो भी एक अल्प, जैसे देखा ना देखा, इतना उसका स्मृति भी नहीं है। एक पुस्तक उस जमाने में कृष्णा दी रिजर्वायर ऑफ प्लेट ब्लैक एंड वाइट में था, वो भी एक जगह हमको बाद में मिला जब हम प्रचार करने गए। और 72 में हमारा एक डॉक्टर, हमारे अपने गांव का डॉक्टर इंग्लैंड से आया, उन्होंने इस कान का हमको परिचय दिया। ये 72 की बात है। फिर अत्रे ऋषि कुछ समय प्रभुपाद जी के शिष्य कराची में थोड़ा कहीं बिजनेस के लिए आते थे प्रचार के लिए, लेकिन उनसे भी हमारा संपर्क ऐसे प्रैक्टिकल नहीं हुआ। फिर 81 में स्पेशली बॉम्बे से अमोघ लीला दास प्रभुपाद जी के शिष्य वहाँ प्रचार के लिए आए, और मेरे को पुस्तक पहले भगवद गीता, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन और कमिंग बैक, ये तीन पुस्तक इंग्लिश में, मेरा ब्रादर इन लॉ था एडवोकेट, उसके पास मेरे को देखने को मिले। मैंने बोला कहाँ से आए, बोला यहाँ अमेरिकन है, प्रचार कर रहा है और हर फ्राइडे को आता है। तो मैं वो पुस्तक वहाँ से ले गया, मैं उस पुस्तकों को पढ़ा, और प्रभुपाद जी का इंटरव्यू साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन में मैंने जब पढ़ा प्रोफेसर कोटाबिस्की के साथ रशिया का, उनमें उन्होंने वर्ण आश्रम को ठीक साइंटिफिक वे से समझाया है, तो मैं ऐसे दो विचार मेरे पास आए, एक तो मेरे को पढ़ने के लिए कुछ शास्त्र मिला, और दूसरा मैं जब गया तो मैंने उस अमेरिकन को भगवद गीता के ऊपर प्रवचन करते हुए देखा, उसको हिंदी आती थी, हालांकि कराची में हिंदी नहीं चलती है, पर तो हिंदी और उर्दू में कोई अंतर भी नहीं है। तो मुझे ऐसे लगा कि मैं ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ, घर से मैं राधा कृष्ण की जन्म से पूजा करते आ रहा हूँ, अब मैं डॉक्टर बन गया तो कोई सब लोग ठीक थोड़ी हो जाएंगे, ये लोग तो बीमार होते रहेंगे। लेकिन मैं ये काम मुझे करना था, एक ब्राह्मण का धर्म था, धर्म को समझे और दूसरों को सिखाए, वो छोड़ के मैं इस तरफ जाऊँ कितने लोगों का मैं भला कर सकूँगा। अच्छा, मैं अगर धर्म के रास्ते में चला जाऊँ तो हो सकता है इससे ज़्यादा मेरी सेवा, मेरे अंदर से ऐसे फील हुआ। और मैं कहा आज ये बेचारा अमेरिका का है जो गीता के ऊपर प्रवचन करने आया है, जबकि हमको ये आना चाहिए था। तो मेरे को थोड़ी गिलानी हुई कि हम क्यों नहीं अपने शास्त्र को समझ सके, पढ़ाया अध्ययन किया। तो फिर मैं उसके संग जहाँ वो रह रहा था वहाँ चला गया, और फिर रेगुलर उसके पास जाने लगा, और भी पुस्तक उससे मुझे प्राप्त हुए, उनको पढ़ने लगा। तो फिर गौड़िया वैष्णव या ऐसे, इसका ज़्यादातर कोई वहाँ परिचय नहीं था, परंतु उसके संग से और प्रभुपाद के पुस्तकों से मुझे प्रेरणा मिली, और उसका मैंने देखा सेवा के, वो एक स्वीपर कॉलोनी में, क्योंकि पाकिस्तान में हिंदू बहुत कम है और एक वर्ग है जो उनके लिए बहुत ज़रूरी है, स्वीपर कम्युनिटी, क्योंकि उनके बगैर वो रह नहीं सकते, उनके लिए चाहिए उनको, तो उनके पास कोई जाता है तो डिस्टर्ब नहीं करते हैं। किसी बड़े कम्युनिटी में जाके प्रचार करता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैं देखा वहाँ सिंपल जीवन बेचारा रह रहा था और उनके बीच में रह रहा था, तो मुझे काफ़ी प्रेरणा मिली कि कितनी बड़ी तपस्या कर रहा है, काम करने के लिए इसको मिलता क्या है, कुछ भी नहीं। तो मैंने उसका सहायता करना शुरू किया, वहाँ छोटा सा मंदिर बनाने में सहायता किया, पुस्तक वितरण में सहायता किया। तो इस तरीके से मेरा प्रभुपाद जी के पुस्तकों से और प्रभुपाद जी के भक्त के साथ संपर्क हुआ, और मैं अभी तक सर्विस कर ही रहा था लेकिन मैं प्रभावित हो गया। और फिर माँ गौरंग महाप्रभु की कोई विशेष योजना होगी तो उन्होंने उस समय में वहाँ गीता सम्मेलन के नाम से, क्योंकि ये समय था जब इंदिरा गांधी का यहाँ एसेसिनेशन हुआ था,
तो ज़्यादातर सिंध में जो है वो गुरु ग्रंथ साहब का प्रचार था हिंदुओं के बीच में। तो इस ऐसी श्रेणी के बाद उन्होंने थोड़ा सनातन धर्म को फिर समझने का सोचा, तो गीता के ऊपर बोलने के लिए उनको एक प्लेटफार्म चाहिए था। तो एक हमारे मित्र संत थे, उन्होंने ये प्रेरणा दी, तो उन्होंने सम्मेलन शुरू किया, मुझे इनवाइट किया, मैं वहाँ चला गया। तो मैं गीता के ऊपर बोला, लेकिन मैं बोलने सब आते थे लेकिन सभी कोई पैंट में आता था, जहाँ वहाँ के जो जो सलवार कुर्ता है उसमें आते थे, मैं धोती पहन के गया। मोगिनलाल सादार से मैंने धोतियाँ मंगाई थी, यहाँ से धोती पहन के गया, तो उनको अच्छा लगा। और फिर सम्मेलन का मेन जो है किरदार हम हो गए, जो मेन पर्सन सम्मेलन का जो प्राइवेट है, जिसको लोग सुनने आते थे, हम हो गए। और 4-5 हज़ार लोग आते थे, ऐसे 11-12 गीता सम्मेलन हमने पूरी सिंध में अलग जगहों पे किए। तो उसमें एक हमको बहुत ज़्यादा कहा जाए कि प्रचार का शुभ अवसर मिला, और लोगों ने रिकग्नाइज किया कि इस्कान या सनातन धर्म का प्रचार करने वाले भी संस्था है। तो ऐसे एक पूरा एक आंदोलन जैसा एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन वहाँ में उस वक्त में आ गया। और ये मेरे ख्याल मेरे के दो पॉजिटिव, गिरिराज महाराज वहाँ आते थे, महीना रह रहे थे, दो महीना साथ रहते थे, उनका संग मिला, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। फिर उनके साथ ट्रैवल करते थे, तो हमारा काम इतना ही था कि 2 महीने तो वेकेशन होती थी और दो बजे के बाद फ्री होते थे कॉलेज से। तो इसलिए फिर प्रचार के कार्य में हमें भी अच्छा लगने लगा, और लोगों को इतना अच्छा लगने लगा कि जगह जगह से इनविटेशन आने लगी। तो प्रचार बहुत एक दृष्टि से वहाँ बढ़ने लगा। सो आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी काइंड ले ली कि आप पाकिस्तान में उसको और वापस लेके आएंगे भागवत धर्म को। ऐसे गिरिराज महाराज ने एक बार कहा कि श्रील प्रभुपाद ने लिखा है चैतन्य चैतामृत में कि मुस्लिम शासन में ऐसे लगता था कि हिंदू बेचारे अपने घरों तक सीमित हो गए थे, परंतु चैतन्य महाप्रभु के आने के बाद लोगों में फिर जागृति आई, संकीर्तन होने लगा। तो पाकिस्तान में भी ऐसा ही एक वातावरण हो गया कि हिंदुओं में फिर वापस अपने सनातन संस्कृति में गीता के प्रति बहुत बड़ी आसक्ति होने लगी। और गीता का फिर हमने लोकल लैंग्वेज वहाँ अनुपात की गीता का सिर्फ श्लोकों का और उसकी ट्रांसलेशन और लास्ट वर्ष का परपट का किताब एक छोटा छापा। और कृष्णा परम पुरुष भगवान सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, इस पुस्तक को हमारे एक रिश्तेदार थे प्रोफेसर श्यामदास, वो उन्होंने ट्रांसलेट किया, वो हमने छापा उर्दू में, तो सिंधी में छापे उसको। अच्छा, सिंधी। तो सिंधी में छापे, फिर उसको वितरण कर डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया। और इतना प्रचार का प्रभाव हुआ कि उस वक्त प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जियाउल हक को हिंदू पंचायत ने बुलाया था कराची में दिवाली मिलन के लिए। तो एक तो उनका कुरान की प्रार्थना के लिए बुलाया, तो हिंदुओं ने मेरे को गीता की प्रार्थना के लिए बुलाया। और दूसरी एक ऐसी पार्टी में गिरिराज महाराज साथ थे, हम गए थे, वो हमने गीता, इस हमारी गीता उस वक्त हिंदू काउंसिल का जो प्रेसिडेंट है उसके माध्यम से प्रेसिडेंट को दिया उस वक्त के। और बहुत एक कहा जाए कि वो पब्लिसिटी भी इतनी हो गई और प्रचार भी बहुत ज़्यादा होने लगा। वो हरे कृष्णा मूवी जो इस्कान की है वो उस वक्त थी, और प्रोजेक्टर मेरे कॉलेज का होता था, तो उसको मैं लेके गांव-गांव में जाके शहर-शहर में दिखाता था, तो लोग उसको बहुत पसंद करते थे। ये एक नई जागृति आ गई, क्योंकि प्रचार पहले कभी होता नहीं था। और लोग गाते थे ऐसे कुछ कोई ट्रेडिशनल भजन, लेकिन ये प्रचार लोगों को पसंद आया। तो प्रभु एक क्वेश्चन है, अब फेमस है कि पाकिस्तान तो प्राइमरीली मुस्लिम मुल्क है, तो वहाँ पे आपको कभी ऑपोजिशन फेस करना पड़ा कि लोग आपको आपके प्रचार में बाधा डाल रहे थे? हमने मैं
मैं गवर्नमेंट सर्विस में था और रिस्पॉन्सिबल पोस्ट में था, तो प्रायः जहाँ से गुजरते थे कहते थे डॉक्टर है, ये कॉलेज का प्रोफेसर है, तो कभी गवर्नमेंट की तरह से जनरली कोई परेशानी कभी नहीं की। और हिंदुओं के अपने मंदिरों में या ऐसे जनरल कहीं प्रचार करते थे तो कोई नहीं रुकावट थी। अपोजिशन एक तो उस वक्त में ये ज्यालक्स जो प्रेसिडेंट था उस वक्त में सिखिज्म को वहाँ सिख धर्म को या सिख धर्म के लोग बनाने का एक प्रयास चल रहा था। अच्छा। वो इसलिए कि वहाँ से खालिस्तान के लिए कोई पॉलिटिकल था सारा, पॉलिटिकल रीजंस, तो वो उनको सपोर्ट कर रहे थे। और वो जो मंदिर पुराने जो थे जिसमें गुरु ग्रंथ साहब रखा हुआ था, वहाँ फिर हिंदुओं ने गीता रखना चाहा, उन्होंने रखने नहीं दिया। तो वो एक अपोजिशन करते करते उन्होंने कैसे भी एक प्रकार की अपोजिशन अपनों ने शुरू किया, अथवा ऐसे कहा जाए कि गवर्नमेंट ने डायरेक्ट नहीं की, क्योंकि गवर्नमेंट डायरेक्ट करेगी तो कहा जाएगा माइनॉरिटी के साथ अन्याय हो रहा है, तो उन्होंने हमारे ही एक फैक्शन को हमारे अगेंस्ट में शुरू किया। लेकिन उसका फिर बहाना बनाते हुए मेरा ट्रांसफ़र का मेरे ऑफिस में लेटर आया कि आपका ट्रांसफ़र हुआ है। तो मैंने कहा ठीक है, एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं जाके देखा कि मेरा ट्रांसफ़र हुआ क्यों है, तो मेरे पास अभी लेटर यहाँ पड़ा होगा कहीं। उसने होम डिपार्टमेंट में लेटर लिखा था मेरे हेल्थ डिपार्टमेंट को, वन डॉक्टर शर्मा हैज़ अज्यूम द पोजिशन ऑफ ए गुरु and preaching Hinduism and has a wide following and he is preaching Hinduism to the innocent Muslims. Okay. और स्टूडेंट मेरी मुस्लिम थी, वो भी आया करती थी घर में, संडे फीस में करता था तो आ जाती थी। उन्होंने कहा वी आर वॉचिंग हिम एंड ही हैज सेंस दैट वी आर ऑब्जर्विंग हिम and therefore we are transferring him from this college to the other college. तो मैं थोड़ा सा अलार्म हुआ कि डेफिनेटली अभी ये ऐसे कर रहे हैं तो आगे क्या करेंगे। तो मैं दूसरे कॉलेज में गया तो फिर लो प्रोफाइल में थोड़ा समय रहा, और फिर मैंने कहा देखो है तो इंडिया मेरे को आना था 1984 में, चैतन्य महाप्रभु के 500 ईयर्स, हाँ, जो 100 साल का उत्सव था। आई वाज सपोज टू कम, दे डिड नॉट गिव मी वीज़ा। अच्छा। और रीज़न यही मैंने देखा लिखा हुआ है। तो उस वक्त में एक हमारा क्षत्रिय था, वो मिनिस्टर बना था हमारा, राजस्थान का ही था, राजपूत, और हमारा परिवार का हमारा सम्मान करता था। हमने उसको कहा कि मैं देखा कि चलो और कहीं बाहर दान जाने देते हैं, दुनिया में देखूं, तो मैं इंग्लैंड के लिए कोई एक सम्मेलन था वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन, उसमें जाने के लिए मैंने एक्स पाकिस्तान लीव मांगा और वो मेरे को दे दिया। तो मैं इंग्लैंड चला गया, वहाँ से फिर अमेरिका चला गया, तो एक महीने के बजाय 2-3 महीने के बाद आया, वापस आया तो मैंने ज्वाइन किया। उन्होंने ज्वाइनिंग मेरे को दे दिया, लेकिन मैं डिसाइड किया कि अब मेरे को यहाँ ज़्यादा रुकना ठीक नहीं है। तो मैंने कहा मेरी जितनी एक प्रचार करके अवेयरनेस करनी थी वो लिमिट, इससे ज़्यादा मैं उस कुछ नहीं कर सकता, और मैं ग्रो भी ज़्यादा इससे यहाँ नहीं कर सकता। तो मैंने डिसाइड किया कि अब प्री मैच्योर रिटायरमेंट ले लेता हूँ। तो 91 में मैंने प्री मैच्योर रिटायरमेंट के लिए पेपर दे दिया कि मेरी हेल्थ ठीक नहीं है। वो जो मिनिस्टर था मेरा, उसको मैंने कहा, उसने मेरे को वो चीफ मिनिस्टर से लिखवा दिया, वो प्रोसेस मेरा रिटायरमेंट का शुरू हो गया। तो फिर जो बाकी भक्त थे उनको काम में लगा के और मैं फॉर गुड। और उस बीच में
गोपाल कृष्ण महाराज एक बार पधारे थे वहाँ, राधानाथ महाराज दो बार आए थे। तो राधानाथ महाराज यहाँ जब छोटा चौपाटी में आया था, उन्होंने कुछ भक्तों को वहाँ भेजा मुझे बॉम्बे ले आने के लिए कि अब उनका यहाँ इतना ही हो सकता है, इससे ज़्यादा उसका यहाँ यूटिलिटी नहीं है, यहाँ बॉम्बे आ जाए, बहुत बड़ी सिंधी कम्युनिटी है और यहाँ सेंटर कुछ बनाना चाहिए। तो दो डॉक्टर राधा कृष्ण और एक ऋषभ देव थे, ये बॉम्बे कुछ दिन आए, ये आए कराची में कुछ दिन हमारे साथ रहे और हमको कहा कि आप उधर आ जाओ। तो ये साइमल्टेनियसली अपने आप बना, हमने छोड़ने का प्लान बना ही दिया था दिमाग में, ये लेने भी आ गए और हालात भी ऐसे थे कि वहाँ हम एक डेड एंड पे पहुँच गए थे, उसके ज़्यादा कुछ करना क्योंकि और कोई आ नहीं रहा था यहाँ से ज़्यादा। उस वक्त में कीर्तनानंद महाराज वहाँ आया करते थे, वो उनका जोन था, और उसके साथ गिरिराज महाराज वहाँ के GBC थे। तो उस वक्त में किसी कारण से गिरिराज महाराज को बॉम्बे में आने के ऊपर कुछ रुकावट थी, इसलिए वो बहुत समय वहाँ बिताते थे, महीना दो महीना, फिर साउथ अफ्रीका जाते थे, फिर वापस आ जाते थे। तो हमें बहुत अच्छा उनका संग और साथ में ट्रैवलिंग करने को और सीखने को मिला। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम वहाँ से वाइंड अप करें, तो फिर वंस फॉर ऑल पे अपने फैमिली के साथ यहाँ शिफ्ट हो गया। तो आप फिर मुंबई में गए 1991 में? पहले मैं मुंबई आया 92 में, बम्बई 92 में, 92 के मेरे ख्याल में जहाँ बाबरी मस्जिद का जब हुआ था, उससे दो तीन दिन पहले ही वहाँ के हालात से ख़राब हुए, उससे पहले ही मैं निकल के बॉम्बे आया चौपाटी के साथ। मैं 95 तक रहा, 3 साल उन्हीं के साथ रहा, वहीं प्रचार किया। जब चौपाटी स्कान के मेन स्ट्रीम में वापस आ गया, तब गिरिराज महाराज ने मुझे कहा कि आप फैमिली के साथ आए हो बॉम्बे, बहुत लॉन्ग रन में आपको कास्टली पड़ेगा मेंटेनेंस के लिए, अब वृंदावन जाओ। तो वो मैं फिर बॉम्बे से वृंदावन के लिए भगवान की इच्छा थी यहाँ आया। उस वक्त में उस समय यहाँ कदम कानन महाराज प्रेसिडेंट थे, मैं उनसे मिला, लेकिन मैं जब तक शिफ्ट हुआ उस तक उस समय तक वो चले गए थे, और महामन प्रभु प्रेसिडेंट हुए तब मैं आके वृंदावन को, मैंने फिर वृंदावन को ज्वाइन किया। तभी सीधा ही मैं यहाँ आया, तो मैं जनरल मैनेजर के सेवा मेरे को यहाँ मिली है। तो है तो मेरे को थोड़ा सा मुश्किल भी था कि मैं नॉर्मल, जैसे भक्त मंदिर में न्यू भक्त आते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, फिर मंदिर में रहते हैं, वो प्रोसेस से तो मैं आया नहीं था। मैं तो डायरेक्टली प्रोफेशन से प्रचार में गया था और बॉम्बे भी रहा, तो मैं तो अपना परिवार था, घर में रहता था, सिर्फ वहाँ संडे जाता था या अपना प्रचार करता था। यहाँ आके फिर फुल टाइम देखा जाए तो फुल टाइम एक डिवोटी मंदिर में कैसे रहता है, वो मैं वृंदावन में आने मैंने रहना शुरू किया सारे डेली प्रोग्राम। इंडिया में आके कोई मैंने काम नहीं किया, या मैं अपना डॉक्टरी भी नहीं की, हालांकि कहीं कर भी सकता था, हमारे साथ ही आए थे सब कर ही रहे। मैं फुल टाइम फिर प्रचार में ही सेवा दी, फिर यहाँ आके और 95 में यहाँ आया, तब से तो यहीं हूँ मैं, बेस तो मेरा यही हो गया। प्रभु, गृहस्थ आश्रम में आप कब एंट्री हुए और उसका थोड़ा बता सकते हैं अगर आप? बस मैं मेडिकल ग्रेजुएशन किया, 76 की बैच हमारी थी, हालात कंट्री के कंडीशन थे कि 78 में हमारा ग्रेजुएशन हुआ, उसी साल में हमारा शादी हुआ और 2-3 साल के बाद हमारा इस्कान से संपर्क हुआ। तो माता जी भी कराची से हैं या? हमारे गांव से ही, हमारा अपना अपना ही समाज का है सारा, ब्राह्मण समाज से ही है, तो उधर ही से ही थे। तो वो हमारा 78 में हमारा शादी हो चुका था और हम साथ ही रहते थे, वो नवाब शाह भी साथ रहते थे, महाराज लोग सब आते थे तो घर पे उधर आते जाते, तो वहीं हमारा गवर्नमेंट के बंगले बड़े थे, उधर ही रहते थे। राधानाथ महाराज भी आके रहे थे, गिरिराज स्वामी भी आके रहते थे, आते जाते रहते थे। सो पूरी फैमिली के साथ हम इधर शिफ्ट हुए तो साथ ही आ गए। और आपके बच्चे?
बचे चार मेरे उधर लड़के थे, उनका जन्म वहाँ था, एक लड़की का जन्म वहीं था ज्योति का, तो ये मेरे साथ ही आए थे और छोटी थी तब सारे, बड़े से बड़ा बच्चा मेरे चौथी में था या तीसरी चौथी जब बॉम्बे में विनोद चौथी में था शायद तीसरी। अच्छा, तो फिर आपके बच्चों ने भी मेजॉरिटी अपनी चाइल्डहुड वृंदावन में जन्म से, ये तो कोई गुरुकुल में थे, यहाँ विनोद यहाँ गुरुकुल में था, दो बच्चे चंडीगढ़ के गुरुकुल में थे, तो बच्चों का सारा जन्म इस्कान में मेरे आने के बाद ही हुआ है। ये जनरेशन जो हमारी बच्चों की इस्कान के आने के बाद की। प्रभु आपके भाई बहन, एक मेरा बड़ा भाई है वो अभी तक करा, वो हमारे गाँव में ही है, हमारे मंदिर के साथ ही घर है, तो वहीं रह रहा है। उसके एक बेटा उनका जयपुर में आया, एक बेटा अभी उधर ही है। तो वो भी इस्कॉन से जुड़े हैं या वो अभी नहीं, वो अपने मंदिर का, जैसे हमारा अपना मंदिर है, फैमिली, उसकी जैसे फैमिली पूजा का है, मंदिर जो उसका ध्यान रख वो रहे। उसी कर। तो प्रभु प्रीचिंग आपने इतनी की है, तो उसमें से सभी प्रीचर्स के कुछ फॉन्ड मेमोरीज होते हैं कि उन्होंने कैसे प्रीचिंग किया, कैसा उनको रिस्पॉन्स मिला, आपको कोई स्पेशल मेमोरीज जो अलग से ही याद आती हों और जो हमारे ऑडियंस के लिए बहुत इंस्पायरिंग हो सकता है जिनको सुनना? गीता सम्मेलन में हमारे को वहाँ गीता के ऊपर बोलने में अध्यापुरे के ऊपर होता था, बाकी लोग क्या क्या बोलते थे पता नहीं, लेकिन प्रभुपाद की कृपा से भगवद गीता एज इट इज़ के आधार पे जब हम प्रचार करते थे और लोग प्रश्न उत्तर जब पूछते थे, एक इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस रखी थी कराची में, एक मुसलमान मौलवी साहब थे, एक क्रिश्चियन प्रीस्ट थे और हिंदुओं को रिप्रेजेंटेटिव के लिए एक मेरे को बुलाया था, एक और प्रोफेसर आयर साहब थे। तो हमने प्रेजेंटेशन हर एक ने की, लेकिन लोगों ने जब प्रश्न पूछे तो उनके उत्तर सिर्फ हम दे सके और कोई नहीं दे पाए। तो सभी मुस्लिम भी थे, क्रिश्चियन भी थे, एक चर्च में था, उन्होंने कहा हमारे को तो मिसकंसेप्शन थी हिंदुइज्म के बारे में, ये जो आप कह रहे हैं ये तो बहुत साइंटिफिक लग रहा है। तो इंटरफेथ में बहुत जगहों पे जाने का मौका मिला, खोजों के पास भी, तो जो हमारी फिलासफी साइंटिफिक है इसको जब ठीक तरह प्रेजेंट करते हैं ऐसी कम्युनिटीज़ में, तो ज़्यादा हमको जो है, अब नॉर्मल हिंदुओं में प्रचार करना पड़ता है हमारा जैसे इस्कान का यहाँ, लेकिन हमारे को तब प्रचार करने में कहा जाए कि आनंद आता है या इंस्पायरेशन होती है जब जो लोग नहीं जानते हैं और वो कन्वेंस हो जाएं प्रभुपाद जी के जो है फिलासफी से, तो लगता है कि हम कुछ प्रचार कर रहे हैं। नॉर्मल हिंदू पहले से हिंदू है, उनको हरे कृष्णा जपने में कोई परेशानी नहीं है, परंतु अगर कोई दूसरा व्यक्ति जो उससे पहले जुड़ा हुआ नहीं है और वो इससे कन्वेंस होता है, तो हम समझते हैं कि प्रभुपाद जी की फिलासफी का हम ठीक तरह से उपयोग कर रहे हैं। तो नॉर्मली हमारे को तो भाई इंडिया में जैसे प्रचार है ऑलमोस्ट हिंदू कम्युनिटी में ही है, इतना चैलेंजिंग तो भी नहीं होगा, इतना चैलेंजिंग नहीं है, और ज़्यादा से ज़्यादा कुछ क्वेश्चन आंसर नॉर्मल होते हैं वो लोगों के बिना शास्त्र पढ़ने के कारण। वो तो उसमें मैं रशिया जब जाता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कोई इंडियन में देखता नहीं हो, और वहाँ जब प्रचार करते हैं वो जो नॉर्मल भक्तों के अलावा हमारे को इंडियन बॉडी देख के, वो जनरल बाहर प्रोग्राम जब करते हैं आम हाल के अंदर, भाई फैमिली कैसे रेज करनी चाहिए, अब वो कोई इस्कान को जानता नहीं है, वैदिक फिलासफी को जानता नहीं है, उनको जब प्रेजेंटेशन करते हैं और उनको किसी तरीके से हरे कृष्णा जपवाते हैं, तो हमें लगता है कि हाउ प्रभुपाद वॉज एनलाइवेंड बाय प्रीचिंग टू द वेस्टर्न वर्ल्ड, यहाँ तो उन्होंने भी प्रयास किया। तो प्रचार में ब्यूटी तब है जब आप जो इग्नोरेंट और इनोसेंट है उनको कृष्ण कॉन्शियस में ला सको। तो अब तो ज़्यादा तक प्रचार हमारा अच्छा, हमारे को सबसे ज़्यादा रिस्पांस प्रचार का मिला जब ITV इस्कान टेलीविज़न ने, पहले सोनी TV के ऊपर छोटा सा 24 मिनट का एक एपिसोड दिया करते थे, तो मैं बॉम्बे में गया हुआ था, तो उन्होंने कहा एक आप भी बोल लो, तो एक मैंने बोला, फिर कंटिन्यूस महीना भर उस TV के ऊपर आया, वो लोग काफ़ी ज़्यादा लोगों ने उनको
जो है पसंद किया। और फिर भगवत गीता, जब पूरी भगवत गीता इस्कान टीवी ने स्टार टीवी को प्रोड्यूस करके दी, उसकी रॉयल्टी स्टार टीवी की है लेकिन प्रोड्यूसर इस्कान है, उन्होंने पैसे दिए इस्कान को कि हमें गीता बना के दो। उसमें हम तीन स्पीकर मोस्टली थे और बीच में कोई गेस्ट स्पीकर आ जाते थे, तो देवकीनंदन प्रभु, गौरंगा प्रभु, हमारा तीन का मुख्य सेवा था। वो एपिसोड इतना पॉपुलर हुआ कि 3/4 ऑफ द वर्ल्ड उसको देखता था। और उन्होंने एक साल के बजाय 2001 में हमने रिकॉर्ड किया था, 2009 तक उन्होंने चलाया। एक्चुअली हम पिछली बार धर्मात्मा प्रभु का इंटरव्यू ले रहे थे और वो हमें बता रहे थे कि वो भी उसी सीरियल को देखते थे, उसी के थ्रू जुड़े। हाँ, हजारों लोग हमको जहाँ भी उस वक्त हम जाते थे या अभी भी जाते हैं। मैं एम्स हॉस्पिटल में चला गया था, मेरे को थोड़ा अपना तकलीफ था, तो एक डॉक्टर जिसको मैं प्रोफेसर दिखाने गया, वो मेरे बीमारी को नहीं देख रहा है, मुझे देख रहा है। आप गीता बोलते थे वही हो जो टीवी पे मैं देखता था, और उसको पूरी गीता याद थी। वो फिर हमारा फ्रेंड हो गया बेचारा। तो ऐसे लोग सुबह सवेरे देखते थे, वो तो वो उसको रोक कोई नहीं सकता है। वो पाकिस्तान भी चलती थी, कभी नैरोबी से फ़ोन आता था कि हम देख रहे हैं, तो बहुत से इंग्लैंड में से लोगों ने देखा था हिंदी में, फिर भी उसका बहुत ज़्यादा पॉपुलरिटी हुआ। वो हमारा एक, और हमारा अभी भी इच्छा है कि जैसे पूरी भगवत गीता को हमने उस वक्त पूरा किया, ऐसे भागवत पूरी को कम से कम एक अध्याय एक एपिसोड का करके करें तो भी एक मिसाल पूरा चलेगा, कि उसका ओवरव्यू एक दो श्लोक के ऐसे इसको पूरा किया जाए और उसको किसी तरीके से एयर में किया जाए। तो ये हमारी अपनी उस वक्त में इच्छा थी, अब भगवान करे कभी हो जाए तो अच्छा है। डेफिनेटली दैट वुड बी वंडरफुल, सभी लोग बहुत ही अप्रिशिएट करेंगे उसको। नहीं, वो बहुत अच्छा चला था, भगवत गीता का बहुत अच्छा रहा। प्रभु, एक क्वेश्चन है कि आपने मेंशन किया था कि आपको ऐसा लगा कि आप ब्राह्मण परिवार में जन्मे हैं और विदेशी लोग आके प्रीचिंग कर रहे हैं, हम आपने डॉक्टरी की लेकिन अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ ब्राह्मण उसको पूरा नहीं किया, इसलिए आपको ऐसा फीलिंग आया कि आपको करना चाहिए वो। और चैतन्य चरितामृत में भी लिखा है कि जितने भी लोगों का भारत भूमि में, और पाकिस्तान भी पहले भारत में ही था, उसमें जन्म हुआ है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है दूसरों के प्रति परोपकार करने की। लेकिन हम देखते हैं कि आजकल के ज़माने में इंडियंस बहुत ज़्यादा विदेश के पीछे भागते हैं, इंडियन कल्चर को भूल रहे हैं, अपनी खुद की संस्कृति को भूल रहे हैं, तो इसका रीज़न आपको क्या लगता क्या है और इसका सोल्यूशन क्या है? हमारी अपनी नज़र में इंग्लिश मीडियम जो एजुकेशन है ना, इस एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य लॉर्ड मेकाले का था कि भारतीय संस्कृति को जड़ से उखाड़ा जाए। और मेकाले ने अपने पिताजी को खत लिखा था कि भारतवर्ष की गुरुकुल पद्धति जिसमें 18 विद्याएं पढ़ाई जाती हैं वो जब तक नहीं हटाई जाएगी तब तक हम यहाँ इनको बदल नहीं सकते, और हमने उस सिस्टम को बिल्कुल बंद कर दिया है। जैसे खेत से पौधे निकालते हैं, साफ करते हैं, फिर नया बीज डालते हैं, अब हम इंग्लिश एजुकेशन का बीज डाल रहे हैं। अब ये भारतीय देखने में भारतीय लगेंगे लेकिन इनका सोच, इनका कल्चर, इनका उठना बैठना वो सब वेस्टर्न होगा। और तभी हम इसको हमारे क्लर्क या सर्वेंट बना सकते हैं। तो ये हिस्ट्री में जो है, मुस्लिम के 1000 शासन में भी हमारी संस्कृति नहीं गई थी। आप मुस्लिम शासन के हिंदू जिनको देखें पगड़ी धोती में मिलेंगे, लेकिन ब्रिटिश शासन आने के बाद ये जो पहले तो कपड़ा बदला, ड्रेस बदली, और फिर भाषा, ड्रेस, और फिर कल्चर आस्ते आस्ते बदला।
और यही बात प्रभुपाद जी ने अमेरिका में कही थी कि मैं आपसे सीखने नहीं आया हूँ कि मैं आपके कपड़े पहनूँ, मैं आपको सिखाने आया हूँ आपको मेरे जैसा होना चाहिए। लेकिन हमने ये वेस्टर्न कल्चर को एडवांसमेंट के नाम में ले लिया है। अभी भी समझदार बड़े लोग जो है वो हम उधर, हमारा अपना एक्सपीरियंस ये है कि हम डॉक्टर होते हुए पैंट टाई बांध के किसी ऑफिस में जाएंगे तो लोग उतना ही सम्मान करेंगे जितना एक जेंटलमैन का करते हैं, परंतु हम धोती में जाते हैं तो आर्मी का जनरल भी उठ के नमस्कार करके पाँव छूता है महाराज का करके। तो ये ड्रेस का कितना सम्मान है ये लोग जानते नहीं हैं। और हमने तो ये इस ड्रेस का देखा, यहाँ देखा है, कोई ऑफिस में जाए चाहे कलेक्टर हो चाहे आर्मी के जनरलों के पास भी गए हैं तो सम्मान के साथ बाहर गेट तक छोड़ने आते हैं, क्योंकि साधु का ड्रेस का सम्मान है। और ये ड्रेस जो है ये तो संस्कृति हमारी, साड़ी और धोती ऋषियों की संस्कृति, त्याग की संस्कृति है, और त्याग का लोगों से भाव ही चला गया है। दो चीज़ों का अभाव है, एक ज्ञान और एक वैराग। आधुनिक भोग ऐश्वर्य के पीछे सब लगे हुए, दिखावा चाहिए। जैसे मॉडर्न एजुकेशन, प्रभुपाद ने ये सब बातें लिखी हैं कि मॉडर्न एजुकेशन की में एक तो अमानित्व ख़त्म हो गया कि बड़ों का आदर करना ख़त्म हो गया। तो बड़ों का आदर नहीं करेंगे तो संस्कार कहाँ से सीखेंगे? अब वो टीचर्स का, पेरेंट्स का कहीं रेस्पेक्ट रहा नहीं नई जनरेशन के लिए। तो इसलिए एजुकेशनल सिस्टम जो प्रभुपाद जी कहते थे गुरुकुल को लाना चाहिए, वो अब इतना प्रैक्टिकल नहीं लग रहा है हालातों के दृष्टि से। कारण वही है, और कोई कारण मुझे नहीं लग रहा है। एजुकेशन सिस्टम ही, एजुकेशन सिस्टम करप्ट। करप्ट का मतलब एक हमारे को नौकर बनाने के लिए हुआ एजुकेशन सिस्टम लाया गया था। और आज भी इंडियंस हिंदी बोलते समय इन्फीरियर फील करते हैं, उनको लगता है कि इंग्लिश बोलने पे ही हम ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड। लैंग्वेज इंग्लिश आनी चाहिए, प्रभुपाद को इंग्लिश आती थी तब इंग्लिश में प्रचार कर सके। लैंग्वेज एज ए लैंग्वेज आनी चाहिए, लेकिन उसकी वजह से मैं अपने आप को समझूं कि मैं बड़ा हूँ ये मूर्खता है। एज ए लैंग्वेज सीखनी चाहिए। तो ये जो कल्चर है इसको कोशिश की गई, हमने देखा है, प्रयास किया है कि हम कॉलेजों में यूनिवर्सिटियों में जाते हैं प्रचार करते हैं, परंतु जो रिजल्ट आना चाहिए वो नहीं आता है। और उसका कारण ये है कि गर्भदान संस्कार से संस्कार जब तक नहीं होगा तब तक संस्कृति को बदला नहीं जा सकता। तो अभी हमारे पास ब्रह्मचारी हैं, लेकिन ये बेचारे 20 साल के बाद आए हैं तो इनको ब्रह्मचारी का टाइम तो इनका ख़त्म हो गया। तो ये तो अभी है कह के एक आश्रम की खाना पूरी कर रहे हैं, लेकिन ट्रेनिंग तो ब्रह्मचारी के गुरु के आश्रम में किसी की नहीं हुई। तो वो सिस्टम जो था गुरुकुल का वो बहुत साइंटिफिक, सभ्य और कहा जाए कि मॉरल एजुकेशन मॉरलिटी के लिए होना चाहिए। और अब लोगों को मॉरलिटी से ज़्यादा मॉनेटरी बेनिफिट चाहिए। तो जो चौथे नंबर पे होना चाहिए, हमारा कहना है पहले नंबर पे सोल, आत्मा के कहा जाए कि कॉन्शियसनेस को अपग्रेड करने के लिए प्रायोरिटी होनी चाहिए। दूसरे नंबर के ऊपर हेल्थ को ठीक रखना चाहिए। तीसरे नंबर पे फैमिली को अच्छी तरह से मेंटेन संभालना चाहिए। चौथे नंबर पे धन कमाना चाहिए। तो आज लोगों ने धन को पहला नंबर दे दिया है, आत्मा को बिल्कुल भुला दिया है, इसलिए कोई शांत नहीं है। हेल्थ को बिल्कुल केयरलेस हो गए हैं, इसलिए सभी दवाएं खा रहे हैं और बीमार हैं। और फैमिलियां सब टूटी हुई हैं क्योंकि फैमिली को टाइम नहीं है। तो जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्टैंडर्ड जो वैदिक स्टैंडर्ड है वो है आत्मा, स्वस्थ, परिवार और अर्थ। और हमने बिल्कुल इसको उल्टा कर दिया है। और यही भोग ऐश्वर्य पर सकता नाम तया पहर्त चेत साम। तो जब भोग और ऐश्वर्य में आसक्त होगा तो उसका चित्त या इंटेलिजेंस वो हर लिया जाएगा, और इस स्थिति में फिर वो एक प्रभुपाद की भाषा में सोफिस्टिकेटेड एनिमल हो जाएगा।
और इसको दूसरा जो आपका प्रश्न है कि इसको कैसे वापस लाया जाए, प्रभुपाद जी का मैं एक दिन कह रहा था, अभी तो समय कम बचा है, कि प्रभुपाद के 125 साल के इस जन्मोत्सव में प्रभुपाद ने इस कान का उद्देश्य अपने शास्त्रों में जहाँ लिखा है उनको इकट्ठा करना चाहिए। और हम पढ़ाते हैं एजुकेशन में भक्ति शास्त्री है या भक्ति वैभव है या भक्ति वेदांत है, तो ये हमारा रोज़ का पढ़ाना है, इसलिए हमको हर जगह प्रभुपाद जी के इस कान का मिशन और उद्देश्य नज़र आता है। और उसमें इसका प्रभुपाद यही कहते हैं कि मिसगाइडेड मॉडर्न सिविलाइजेशन को एक सभ्य सभ्यता के रूप में लोगों को शिक्षा देने के लिए हमने इस कान की स्थापना की है। जो मेन मोटो है इस कान का अल्टीमेटली देखा जाए तो ये है कि लोगों को जो मिसगाइडेड है उनको कम से कम, इनोसेंट और इग्नोरेंट ज़्यादा है, जो कहा जाए आउट रास्कल इतने ज़्यादा नहीं है जितने इग्नोरेंट हो, तो उनको कैसे कृष्ण भावना से जो है प्रभावित किया जाए। और उसका ऐसे लोगों के ऊपर अच्छा असर, आज हमारे यूथ प्रीचिंग जो है उसका अच्छा रिजल्ट आ रहा है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। फिर भी प्रभुपाद जी का दृष्टिकोण जो था 50% वर्क अनफिनिश्ड है, उसके लिए डेफिनेटली हमारे को मैं अपनी भाषा में बोलता हूँ 5 सूत्री प्रोग्राम, गुरुकुल, टैलेंट ओरिएंटेड एजुकेशन, 5 साल में एडमिशन लो, 12 साल तक उनको लैंग्वेज पढ़ाओ, एक लोकल लैंग्वेज जहाँ का है, एक इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश, एक संस्कृत लैंग्वेज शास्त्र पढ़ने के लिए, थोड़ा सा उसको मैथमेटिक, थोड़ी हिस्ट्री, थोड़ी ज्योग्राफी, जो एक इंसान को जीने के लिए चाहिए उतना सिखाओ। आपके पास 5 से 12 तक 7 साल रहे बच्चा, आप उसके वर्ण को डिसाइड करो कि ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य क्या है, इसका टैलेंट क्या है, और 12 से 17 साल तक 5 साल में उसको उसी टैलेंट में ट्रेन करो, फिर ऑटोमेटिकली वर्णाश्रम सिस्टम भी टोटल 18 साल, 1 साल उसको एंटर्नशिप दो कि अगर ब्राह्मण है तो जाए सन्यासी के साथ, वो वैश्य है तो जाके हमारा रेस्टोरेंट देखे या, और अगर वो क्षत्रिय है तो एडमिनिस्ट्रेशन में जाए, प्रेसिडेंट के साथ अटैच हो जाए, और वर्कर है तो बहुत सारा काम है हमारे पास। मैं कहता हूँ हम कोई 10 लाख 20 लाख पूरे इस्कान में समझता हूँ, नहीं तो भी करोड़ से रुपया सिक्योरिटी के ऊपर दे रहा है, तो हमारे अपने क्षत्रिय होना चाहिए, इसको हम थर्ड क्लास समझते हैं, सिक्योरिटी को हम समझते हैं चौकीदार है, लेकिन ये तो क्षत्रिय का जाब है, सही में ये क्षत्रिय का है, तो हम अपने ट्रेन क्यों नहीं कर सकते हैं, क्षत्रिय जिनको इज्जत दे के और सम्मान के साथ खड़े हों जैसे राजा महाराजा होते, तो ये रक्षक है ना हमारे, तो इस रक्षक को हम ऐसे क्यों, तो ऐसे क्यों नहीं डिवोटी बनाते हैं जो हमारे अपने रक्षक हो जाए। और एक उसमें गुरुकुल टैलेंट ओरिएंटेड एजुकेशन है, नेचुरल एग्रीकल्चर, डोमेस्टिक एनिमल केयर, काओ तो है उसके साथ हार्स भी है, जो हमारी कार्ट के में अंदर सामान ले आए, और कैमल भी, जो भी डोमेस्टिक एनिमल है उसको प्रिजर्वेशन की जाए। और चौथा है होलिस्टिक हेल्थ केयर, वो आपको फाइनेंस करेगा सारे सिस्टम को। और एक है सीनियर सिटीज़न केयर, क्योंकि सीनियर सिटीज़न को बच्चे चाहिए और बच्चों को एक्सपीरियंस चाहिए सीनियर का, ये 5 चीज़ें एक जगह पर इकट्ठी की जाएँ तो प्रभुपाद जी का ये जो विजन है इसको हम मटेरियलाइज कर सकते हैं। एजुकेशन हो जाएगी, वही लड़के गाय को देखना उनका कैरिकुलम में होगा, कि पढ़ने के 4 घंटे, 2 घंटे गाय सेवा का आपका है, 2 घंटे खेती में काम करना, उनमें से जो जिसमें एक्सपर्ट हुआ वो उस टाइम में अपने आप चला जाएगा। तो ये एक ये सूत्री प्रोग्राम जब इम्प्लीमेंट किया जाएगा, और ये सिर्फ बच्चे से शुरू हो सकता है, हमारा जो कहना है, अब हमको आप कहोगे गाँव में जाके रहे, वो नहीं रह सकते, और सारे जितने हमारे इस वक्त डिवोर्ड हैं ऑलमोस्ट मॉडर्न फैसिलिटी से इतने एडिक्टेड हैं कि उनको छोड़ के नहीं जा सकते, इसलिए बचपन से रखा जाएगा तो उनके लिए आसान है, और वो फिर वहाँ ट्रेन हो गए तो फिर इस काम को बढ़ाएंगे। और हमारे मंदिरों की सारी आवश्यकता प्रभुपाद के दृष्टिकोण से हमारे अपने फार्म से आनी चाहिए, दूध अपना होना चाहिए, अनाज अपना होना चाहिए, कपड़ा अपना होना चाहिए, कहीं कहीं प्रयास चल रहा है इस कान का, लेकिन वो उसके ऊपर एक प्रायोरिटी नहीं दी जा रही है, उसको देनी चाहिए प्रायोरिटी,
प्रभुपाद जी कहते ऐसा समय आएगा कि लोगों को खाने को नहीं मिलेगा, ऐसे जो लॉकडाउन अगर एक और चल पड़ा तो लोग तो भिखारी हो जाएंगे, परंतु जिसके पास अपना ज़मीन होगा और खेत होगा वो खाएगा, और ये सब हमारे पास आएंगे कि हम हमारे को कुछ खाने को दो, तो बोलो हरे कृष्णा जपो और सेवा करो और खाओ, सेल्फ सफिशिएंसी आ जाएगी। ये प्रभुपाद का दृष्टिकोण था जिसको हमारे लिए रखा है, हमको पूरा करना चाहिए डेफिनेटली। तो ये लाइफ के बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे, जो लोगों को डिससेटिस्फैक्शन है, जब सब लोग अपने खुद के डेजिग्नेटेड वर्ण में सेटिस्फाइड रह के करेंगे, वो परफेक्ट सिस्टम है। तो ये पांच सूत्री प्रोग्राम हमारे माइंड में कुक हो रहा है, लेकिन अब उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए उसके लिए तो प्रॉपर ग्रुप हैज़ टू बी फॉर्म्ड। ग्रुप उसके बाद असल में क्या हमारी संस्था में हम कभी कहते हैं कि हमारे पास मैन पावर है, हमारे पास रिसोर्सेज हैं, लेकिन हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। मैंने एक बार कहा था यहाँ कि हम मायापुर वृंदावन और बॉम्बे ये प्रभुपाद के ऑफिस है, एक एक प्रभुपाद का घर है और एक प्रभुपाद का वर्शिप की प्लेस है, हम तीनों के पास इतना रिसोर्सेज है, अगर हम एक फेस्टिवल मिनिस्ट्री बना के इंडिया के एक एक शहर में एक महीना पूरा प्रोग्राम करें और 500 भक्त साथ में हों, जिसमें रथ यात्रा करें, जिसमें ड्रामा, जिसमें पूरे शहर के अंदर ऐसा एक रिवॉल्यूशन करें कि वहाँ एक सेंटर बनता जाए, ऐसे साल में 10 सिटीज़ में हम ऐसे प्रोग्राम करें जॉइंट एफर्ट से, और ये चलता ही रहे पूरे भारत में और फिर बाहर। तो हमारे पास ऐसे हम तीनों मिलके ये करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अभी तक प्रायोरिटी नहीं है। ये यहाँ जहाँ जहाँ थोड़ा हो रहा है तो एक एक व्यक्ति अपना प्रयास कर रहा है, लेकिन वो बेचारा इतना ही कर पा रहा है जितना उसमें सामर्थ्य है, लेकिन संस्था ये कर सकती है, लेकिन अभी इनके लिए ये प्रायोरिटी में नहीं है ऐसे लग रहा है। तो प्रभु क्वेश्चन एक और है कि आप वृंदावन आपका बेस है, लेकिन अभी आप कहाँ जाते हैं प्रीचिंग के लिए? अभी कोरोना वायरस के टाइम पे तो ऑफ कोर्स ट्रैवलिंग बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन वृंदावन के बेस से मैं सिर्फ एक दो साल के लिए इंडोर के मंदिर को शुरुआत करने के इंडोर गया था, वहाँ प्रेसिडेंट कैसे जो भी सेवा देखने के लिए वो उसको चालू करके आया, तो मैं तो छोड़ के वापस यहाँ आ गया, पर महामन प्रभु वहाँ चले गए। तो 2004 तक तो मैं यहाँ के मैनेजमेंट में एक्टिवली रहा, यहाँ का ही वाइस प्रेसिडेंट इस्कान का वृंदावन का था, और यहाँ की मैनेजमेंट टीम में रहा 2004 तक। चार के बाद मैं मैनेजमेंट से जैसे फ्री हुआ तो भारत में तो ट्रैवलिंग शुरू किया, फिर मॉरिशस में मेरे को जन्माष्टमी के लिए एक बार बुलाया उन्होंने, और फिर हर साल मैं जाने लगा वहाँ, साल में दो बार जाने लगा, गौर पूर्णिमा रामनामी कभी तीन बार, और गौर पूर्णिमा रामनामी और जन्माष्टमी। और हम जन्माष्टमी वहाँ गए उसी साल, उनका वो नेशनल फेस्टिवल हुआ और एम्बेसी मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन लाइव उनको टेलीकास्ट करने लगी, और वहाँ जितने दिन हम रहते हैं रोज़ इंटरव्यू के लिए जाते थे एम्बेसी मॉरिशस के बाद फिर हमको दुबई जन्माष्टमी में दुबई वालों ने बुलाया, ये 6-7 की बात है, 4 के बाद। सो दुबई गए तो उन्होंने कहा कि अब बहरीन जाओ, मैं बहरीन चला गया, उन्होंने कहा अब कुवैत जाओ, तो कुवैत अपना तब दोहा जाओ, कतर गया तो कतर चला गया, तब तक वो मिडल ईस्ट में, फिर इसका मतलब कि मिडल ईस्ट में मेरा साल में एक चक्कर होता ही है प्रैक्टिकली, दुबई और यूएई में और बहरीन में तो रेगुलर होता है, कुवैत में 2 बार में गया था, और बुलाते हैं फिर कभी समय नहीं होता है तो नहीं जा पाते हैं, दोहा में भी 2 बार गया, तो मिडल ईस्ट में काफ़ी प्रीचिंग करता है, मिडल ईस्ट मेरा है। और उसके बाद मैं मॉरिशस मिडल ईस्ट के बाद मैं रशिया को, वो पहले बार मेरे को यहाँ जगत गुरु लेके गया ट्रांसलेटर होके साथ गया था, कुछ मेरे लेक्चर उसने रशियन में ट्रांसलेट किए, उनको भेजे, फिर उन्होंने तो एक मेरा जाना प्रचार का ऐसे है कि जब सामने वाला बुलाता है, टिकट भेजता है, वीज़ा भेजता है, तब जाता हूँ, ऐसे नहीं अपने तरफ से नहीं जाता। तो फिर रशिया में गया, तो रशिया फिर हर साल प्रैक्टिकली साल में 2 बार भी गया, हर साल गया, और 5-6-7 साल तक गया, सिर्फ 2 साल से अभी नहीं गया हूँ। और फिर इस तरफ थाईलैंड मलेशिया, थाईलैंड और मलेशिया इस तरफ
दो बार गया, लेकिन जाने के लिए बुलाते हैं लेकिन जाना जाना होता नहीं। और प्रीचिंग की दृष्टि से पहले हम अमेरिका गया था, तो तीन साल चार साल पहले 41 दिन था, वहाँ इतना मुझे इंस्पिरेशन नहीं मिला कि सब मंदिरों में प्रायः गुजराती और ये सब लोकल आते हैं, मैंने तो यही तो यहाँ अहमदाबाद में हमको मिल जाते हैं। तो मुझे एक ही जगह कुछ वेस्टर्न दिखे, तो वहाँ मैं बहुत 300 किलोमीटर ड्राइव करके जाता था। वहाँ सिर्फ पुराने ज़माने में, जैसे इसकान वो भोपाल के ज़माने में कुछ ऐसे घूमने फिरने वाले हिप्पी ऐसे आते थे और सारे वेस्टर्न थे। वो एक यहाँ साधु संघ था, एक यहाँ रहा है, भुवनेश्वर की कुछ सेवा करता था बलारा, तो वो वहाँ रहता है कनाडा के बॉर्डर पे। तो वो मेरे को अच्छा लगा, अभी वीज़ा है लेकिन अभी इतना जाने का वहाँ उत्साह नहीं है। परंतु ये रशिया मेरे को अभी भी जाने का, जाना होता है, तो ये 4-5 कंट्री है जहाँ रेगुलर मेरा विजिट होता है। प्रभु, ख़त्म करने से पहले एक दो क्वेश्चंस और हैं बस। एक तो ये है कि मैक्सिमम जो लोग कलयुग में होते हैं ज़्यादातर गृहस्थ आश्रम में ही होते हैं, और हमारे व्यूअर्स भी मोस्ट प्रोबेबली मैक्सिमम गृहस्थ आश्रम में ही हैं, तो उनके लिए आपका क्या एडवाइस है कि कैसे कृष्णा कॉन्शियस तरीके से गृहस्थ आश्रम को मेंटेन किया जाए, कैसे बच्चों को कृष्णा कॉन्शियसनेस दी जाए? श्रील प्रभुपाद ने भगवद गीता में लिखा है कि गृहस्थों के, जो ग्रस्त बाहर कांग्रीगेशन में रह रहे हैं उनके लिए चार चीज़ें घर में होंगी तो वो ग्रस्त का घर भी वैकुंठ होगा। घर में मंदिर भगवान का, जो भोग बने सो भगवान को लगे, परिवार प्रसाद खाए, घर में गीता भागवत का पाठ होना चाहिए और कीर्तन होना चाहिए। तो ये चार चीज़ें ग्रस्तों के लिए ज़रूरी हैं, और ग्रस्तों को श्रील प्रभुपाद के माता पिता के, पिताजी की शिक्षा को ग्रहण करके अपने घर में वैष्णव को बुलाना चाहिए, और वैष्णव का जाना, सत्संग होना, उनकी सेवा करना। महाप्रभु ने वैष्णव के लिए दो ही बातें बताई, जब कुलीन ग्रान के वैष्णव ने महाप्रभु से पूछा कि हम गृहस्थी हैं, विषयी हैं, हमारे लिए उद्धार कैसे हुआ, बोला कृष्ण कीर्तन वैष्णव सेवन। तो एक तो भगवान के नाम का कीर्तन, एक वैष्णव की सेवा, ये करें। और दूसरा, मेरा अपना गृहस्थियों को जो पर्सनल मैं हमेशा कहता हूँ और अभी भी कह रहा हूँ कि वो दिमाग में रखें कि मैंने विवाह किया है तो मैं एक लड़का इस्कान को दूंगा, एक मैं रखूंगा अपने बुढ़ापे में सहारे के लिए, लेकिन एक बच्चा मुझे इस्कान को प्रभुपाद की सेवा में देना है। ये अगर ग्रस्त संकल्प करे, अभी तो ग्रस्त एक बच्चा पैदा करके फिर बच्चे ही नहीं पैदा करते हैं, वो तो इस्कान आगे चल के भक्त आएंगे कहाँ से। तो हम तो कहते हैं कि एक बच्चा निश्चित रूप के इस्कान को अर्पण करना है, ये संकल्प सब ग्रस्त कर लें कि एक बच्चा हमको 5 साल का होगा गुरुकुल में देंगे, और इस्कान को भी उधार होना चाहिए कि ग्रस्त जो बच्चा 5 साल का दें उसके माता पिता को पढ़ाई का खर्चे की ज़रूरत नहीं, इस्कान को संभालना चाहिए बच्चा, तो फिर वो इस्कान का होके रहेगा। पैसे लेके हम उनके माँ बाप से उसको पढ़ाएंगे तो वो फिर तो जाए दुनिया में जाएगा। बच्चा 5 साल का मेरे पास छोड़ के गया, अब मेरी जिम्मेवारी है उसको शिक्षा देना और उसको भक्त बनाना। यही प्रभुपाद कहते हैं, एक बच्चा मेरे को दे दो तो मैं उसको साधु बनाऊं, ब्रह्मचारी बनाऊं, गुरुकुल सिस्टम के हिसाब से। तो बिल्कुल ऐसे एक ये हर ग्रस्त को संकल्प करना चाहिए, हमें प्रभुपाद जी के संस्था को एक बच्चा देना है, तभी थर्ड जनरेशन हमारी होगी, तब जाके ये 10,000 साल तक जो प्रभुपाद की पुस्तक दुनिया में रहेंगे, वो प्योरिटी मेंटेन हो पाए, ये होना चाहिए। और ग्रस्तों का अब कांग्रीगेशन हमारा बेसिकली एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया है, जो प्रभुपाद के समय में नहीं था, अब है। तो कांग्रीगेशन किस तरीके से, एक भारतीय जो पुराना वैदिक सिस्टम में जो टेम्पलों का मैनेजमेंट है ना, मेंटेनेंस, उसके लिए कभी कहीं से मांगने नहीं जाते हैं दान। हर ग्रस्त, मानो हमारा कृष्ण बलराम टेम्पल है, तो मानो भारत में 10,000 लोग हैं, वो समझते हैं कि हम कृष्ण बलराम मंदिर हमारा प्रिजाइडिंग टेम्पल है। तो वो अपनी इनकम का 1% कृष्ण बलराम मंदिर के नाम में हर महीने निकालना है, चाहे 6 महीने या साल में आके यहाँ दे के जाना है।
हम मांगने जाना नहीं चाहिए। तो कांग्रीगेशन जो हमारी है वो ये डिसाइड कर ले, निर्णय कर ले कि जिस मंदिर से हम जुड़े हुए हैं हमारी इनकम का एक हिस्सा जो भी है, वट एवर जो कंफर्टेबल उनको लगे, वो हमको मंदिर को देना है। मंदिर लेने नहीं आएगा, मंदिर को हम दे के आएंगे। ऐसे जितने आश्रम हैं आप देखेंगे, आज भी राधा स्वामी हैं, सब जगह आपको मंदिर मिलेंगे। हर उनका फॉलोअर 40% जो भी है वो वहाँ पहुँचा के आता है। तो हमारी कांग्रीगेशन को एक कमिटमेंट करना चाहिए कि हमारे अपने मंदिर, जिससे मैं आइडेंटिफाई करता हूँ, जैसे कोई नया बिजनेस खोलता है तो उस बिजनेस के नाम कृष्ण बलनाम का उसमें हिस्सा है, इस हमारे बिजनेस में 10% कृष्ण बलनाम का प्रॉफिट है। ये ग्रस्ता जब तक नहीं करेंगे तब तक हम स्ट्रगल करते रहेंगे और बहुत कुछ हमको दूसरे काम करने पड़ रहे हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है। हमें फिर सिर्फ प्रचार करना पड़ेगा कि हमें फिर मेंटेनेंस के लिए पैसा इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है मांगने के लिए। तो लोग अपने आप, कांग्रीगेशन अब हो गई है, तब नहीं, पहले नहीं थी तो जाना पड़ता था। अब कांग्रीगेशन अपने आप जो है देख ले कि कितना देता रहेगा तो हम सारा ही काम उस सेवा में लगाएंगे, फिर हमारे को ज़्यादा कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है जी। तो ये भी ग्रस्तों के लिए एक एक, एक और इससे भी अच्छा है, कोई ग्रस्त बहुत इंटेलिजेंट है, अच्छा बिजनेस कर रहा है, देखा कि मेल, तो एक बिजनेस उसको अपनी इन्वेस्टमेंट से कृष्ण बलनाम का खोल देना चाहिए और उसके प्रॉफिट से वो अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो 10 साल में निकाल ले, फिर आजीवन उस बिजनेस से इनकम जो है वो मंदिर को जाती रहे, तो मंदिर सेल्फ सफिशिएंट हो जाए। अब जितने वृंदावन के पुराने मंदिर देखो, पूरी मार्केट बनी हुई है, ये राजा गोपीनाथ मार्केट है, ये राधा गोविंद देव जी मार्केट है, ये ज़मीन भगवान के नाम की, हम लोगों ने पहले ऐसे किया हुआ है। उन मंदिरों को कहीं मांगने नहीं जाना है, देखिए वो बेचारे गरीब पुजारी हैं लेकिन कहीं जाते नहीं हैं क्योंकि उनके पीछे इतना पहले से प्रबंध किया हुआ है। तो हमारे ग्रस्तों को ये शिक्षा देनी चाहिए, कांग्रीगेशन को एक बच्चा देना है प्रभुपाद को, और एक हमारे कारोबार में, बिजनेस में, किसमें एक हिस्सा मंदिर का है वो अलग करके रखना ही चाहिए, तब हमारे मंदिर भी आगे सुरक्षित और कहा जाए कि जैसे प्रभुपाद को कंसर्न था, MVT बनाया, सारी अपनी दक्षिणा मायापुर वृंदावन के लिए रखी, ऐसे हर एक अपने जीवन में कांग्रीगेशन वाला अपने मंदिर की फ्यूचर को सामने रख के ये करके जाए तो अच्छा है। फिर पूरा सपोर्ट सिस्टम बन जाएगा, मैन पावर एंड मनी विल बी देयर, फिर ऑर्गेनाइजेशन में फिर ज़्यादा प्रचार करने में हमें टाइम मिलेगा। अभी मैं तो यहाँ इस मंदिर को मैनेज किया है, मैनेजमेंट में हम कल तक नहीं देखते हैं कल क्या करना है, हमें सोचना चाहिए 100 साल के बाद हमें यहाँ क्या करना है, लेकिन हम कल तक ही सोच रहे हैं, इसलिए कि हमारा हैंड टू माउथ वाला सारा काम चल रहा है। तो एक सिस्टम ऐसा बना हुआ हो तो हमें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। प्रभु लास्ट क्वेश्चन इज कि आप, हम सब जानते हैं कि आप VIHE में भी सिखाते हैं, इतने सारे क्लासेस देते हैं, तो सभी लोगों के लिए आपका लास्ट मैसेज क्या है कि भक्ति में कैसे अग्रसर हम हो पाएँ, क्योंकि वर्णाश्रम धर्म अल्टीमेटली तो यहीं पर रह जाएगा, भक्ति जो हमें स्पिरिचुअल वर्ल्ड आध्यात्मिक जगत में लेके जाएगा, तो उसमें हम कैसे रैपिड प्रगति कर सकते हैं। वर्णाश्रम प्रभुपाद जी या भक्ति सिद्धांत सरस्वती देवी वर्णाश्रम में कहा, प्रभुपाद ने कहा मैं अगर झाड़ू लगा रहा हूँ मंदिर में तो मैं शूदर नहीं बन गया, मैं सन्यासी हूँ लेकिन ये काम सेवा कर रहा हूँ। तो देवी वर्णाश्रम का मतलब सारे ही डिवोटी हैं जो ब्राह्मण से भी ऊपर हैं, वैष्णव हैं, परंतु उनको टैलेंट है सेवा करने का। तो भक्तों को भक्ति में बढ़ने के लिए महाप्रभु ने पंचअंग भक्ति बताई है। विशेष पंचंग भक्ति में भक्तों का संघ है सबसे मुख्य, भागवत का अध्ययन है दूसरे नंबर पे मुख्य, हरि नाम संकीर्तन है तीसरे नंबर पे मुख्य, और चौथे नंबर पे DT वर्शिप है, और पांचवें नंबर पे धामवास है। नंबर आगे पीछे हो सकते हैं परंतु पहला नंबर भक्तों का संघ है, और दूसरा भागवत हमारा जो अपना एक्सपीरियंस है और अनुभव है, भक्तों को भक्ति में अनर्थ निवृत्ति में बहुत समय लगता है। भजन क्रिया दीक्षा ले लेते हैं लेकिन अनर्थ निवृत्ति में, अपराधों से बचने में 20 साल लग जाते हैं। निष्ठा तक भक्त नहीं पहुंचेगा तब तक भक्ति में आगे बढ़ नहीं पाएगा। और हमारा
मानना है कि भागवत कहती है नष्ट प्रायेशु अभद्रेशु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोक भक्तिर्भवती नष्ट की। तो भक्ति में निष्ठा तक पहुंचना है तो भागवत का, प्रभुपाद जी के जीवन का सबसे ज़्यादा समय भागवत को अनुवाद करने में लगा है। भागवत का भक्तों के संग में अध्ययन करने से हमारी भक्ति में निष्ठा जल्दी आएगी। और डीडी वर्शिप और धाम में आना ये तो भाई सबके लिए इतना सुलभ नहीं भी हो, परंतु भागवत, भक्तों का संग और हरि नाम, ये तीन तो मुख्य रूप से हैं ही। इनमें भी भक्तों के संग, और भक्तों के संग का मतलब है हरि कथा, तो ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। और निष्ठा तक आने के लिए भागवत ही एक मात्र साधन है हमारा। इसलिए प्रभुपाद ने भागवत का कक्षा शुरू की है, सर हमारे सब मंदिरों में होती है, लेकिन इतना उत्साह उसके प्रति सुनने का भी, या अभी मेरा 7 बजे क्लास होगा, तो हमने ये लॉकडाउन में शुरू भागवत का, पहले भागवत धर्म किया था, अब चल रही है भागवत की प्रार्थनाएं। तो हमने पहले श्लोक से शुरू किया था, जहाँ जहाँ भागवत में प्रार्थना है, कुंती महारानी की हो या भीष्म देव की हो, हम 8वें स्कंद में अभी भगवान शंकर की मोहिनी मूर्ति को प्रार्थना है वो आज शुरू करेंगे। तो हम 8 स्कंद तक ये ग्रुप है उसका, हमारा रेगुलर ये चल रहा है, तो ये प्रार्थना पूरी करेंगे, फिर 12 महाजनों की शिक्षा करेंगे। इस तरीके से भागवत का अध्ययन, प्रभुपाद के पुस्तक को 2 घंटे पढ़ने का नियम बनाए, ये प्रभुपाद जी की इच्छा थी। तो प्रभुपाद जी का संग मिलता है जो परम वैष्णव हैं उनके पुस्तकों में, और फिर न समझ में आए तो फिर भक्तों का संग करके उसको समझना चाहिए। हमारा मानना है अकेले आप किताब पढ़ोगे तो 25% समझ में आएगा, किसी वरिष्ठ अध्ययन किए हुए प्रोफेसर से जैसे कहा जाए कि पढ़ोगे तो आपको 50% समझ में आएगा, और उसके बाद खुद पढ़ोगे तो 75% समझ में आएगा, और 25% आपके जीवन भर में रियलाइजेशन आने में टाइम लगेगा। तो प्रभुपाद जी के पुस्तक खुद पढ़ोगे तो 25% ही समझ में आएगा। जैसे पढ़ाएं जो VIHE हो या MIHE हो या जो भी हो, उसमें पढ़ाने से आपको 50% पढ़ाते हुए समझ में आएगा, 25% हम तो उस कहते हैं इसी दिन पढ़ो, हमने आज पढ़ाया उतना कल पढ़ो, तो आपको 75% समझ में आएगा, 25% तो आपकी अपनी रियलाइजेशन पे है, वो पूरी जीवन लग जाएगा। तो हमारा ये मानना है कि प्रभुपाद जी के पुस्तक भक्तों के संग में पढ़ना, और भागवत विशेष रूप से, हमने भागवत अभी भी हम थोड़े दिन पहले किसको नागपुर के भक्तों के लिए 7 दिन भागवत किया है, तो भागवत हमें अच्छा भी लगता है बोलने में और लोगों को सुनने में भी अच्छा लगता है। भागवत कृष्ण है तो इसका मतलब भागवत और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, तो सीधी कृष्ण की सेवा करनी है तो भागवत का अध्ययन करा। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, और बहुत सारे प्रश्न हैं एक्चुअली जो पूछना चाहूँगी मैं, लेकिन समय काफ़ी हो चुका है और आपका भी आगे प्रोग्राम्स है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और हम सभी भक्तों से प्रार्थना करेंगे कि हमारे अगले इंटरव्यू में भी भाग लें, जिसमें हम और किसी वैष्णव से आप सबकी भेंट कराएंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।